हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग बनाने का स्पेसिफिक रूल बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन टैग का दूसरा टॉपिक है और ये आप जानते हैं कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो उसका पॉजिटिव होता। अब यहाँ पर आइए, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर नीड डियर हेल्प, ये मेन वर्ब भी है हेल्पिंग वर्ब भी। जब ये नीड डियर हेल्प मेन वर्ब में रहेगा तो इसके क्वेश्चन टैग में डू डज डिड का होगा, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब में मेन वर्ब नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी ये मेन वर्ब है। जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तब नीड डियर और हैव हैज हैड का प्रयोग करते। हैव का अर्थ होता है खाना पीना देखना होना चलना, बहुत सा होता है, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग। जब मेन वर्ब में नीड डियर और हैव रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग देखिए यहाँ इस प्रकार से बनेगा, रेखा नीड्स मनी डजेंट्स। तो नीट के बाद मेन वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब ऑलरेडी ये है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो रेखा नीड्स मनी डजेंट्स, रेखा को पैसा की जरूरत है ना, तो नीड हो गया मेन वर्ब। अब आलोक डियर्स मी टू स्विम, तो डियर के बाद नहीं कोई आया तो डियर यहाँ पर मेन वर्ब, डियर्स का मतलब होता है चैलेंज ललकारना, तो आलोक मुझको तैरने के लिए ललकारता है, तो डियर मेन वर्ब हो गया, इसका क्वेश्चन टैग डजेंट हुआ, आलोक के लिए ही आया। तो अब आई हैव लंच इन टाइम, तो हैव प्रेजेंट डिफिनिट का, इसीलिए डोंट आज हुआ, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है इसलिए डोंट आज हुआ, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता। हैव नीड डियर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई हैव सोल्ड एन ओल्ड कार, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, सोल्ड हो गया मेन वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब। अब आई हैव सोल्ड एन ओल्ड कार, हैवेंट आई, क्लियर, नो कन्फ्यूजन। रिया नीड नॉट वेट, वेट, तो नीड के बाद वेट आया, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है नीड, तो रिया नीड नॉट वेट, नीड सी। राजू डियर नॉट फाइट, तो डियर हेल्पिंग वर्ब है, फाइट मेन वर्ब है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डियर ही, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट चैप्टर आइए, इंपरेटिव सेंटेंस रहे, तो इंपरेटिव में क्या, इंपरेटिव में ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइज का, प्रोविट का सेंस प्रकट होता है। यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग का क्या होगा, विल यू, जनरली रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइज हो, तो विल यू, कम हियर या कम ऑन, तो ये इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा इंपरेटिव का, विल यू, या वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, और भी हो सकता, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो विल यू, अब डोंट, डोंट फाइट, क्वेश्चन टैग विल यू, अब लेट, लेट हिम प्ले, क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस है, उसे खेलने दो, इसका क्वेश्चन टैग विल यू, लेट हर स्पीक,
विल यू। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता, जैसे कह रहे सिट डाउन, विल यू किसको कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं, आस्क क्वेश्चन, विल यू क्या आप सवाल पूछेंगे, पूछेंगे ना। अब आ जाइए कि स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब डांट फटकार, स्कॉल्डिंग का अर्थ होता है डांट फटकार। इसका क्वेश्चन टैग होगा यू कांट यू, स्कॉल्डिंग का जब होगा शट अप कांट यू, चुप रह सकते हो ना, चुप रह सकते हो ना, गेट आउट, कांट यू। लेकिन अब प्रपोजल जहां पर आ जाए, लेटस लगा रहेगा, तो लेटस जब लगा रहेगा तो इसका क्वेश्चन लेटस गो, लेटस हम लोग चले, तो जब लेटस लगा रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होगा, लेटस डू और डाई शैल बी, शैल बी। ये समझ में आया इंपरेटिव सेंटेंस का। अब आ जाइए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, अब दैट दिस इंडिया एवरीथिंग समथिंग नथिंग, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन इट होगा, क्या होगा, इट होगा। अब इस पर एग्जांपल लीजिए, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, तो अब दिस, तो इसका क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या होगा, इजेंट इट। अब दैट इज ए लैपटॉप, इजेंट इट, इजेंट इट। अब दिस गर्ल, दैट गर्ल, दिस गर्ल इज माई सिस्टर, इजेंट सी, दिस के बाद नाउन आ गया, तो सी। अगर समथिंग एनीथिंग रहे, समथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इजेंट इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट नेगेटिव है। अब देखिए समबडी, समवन, नन, ऑल, तो इसका क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, दे होगा, समबडी हैज कम, कम। तो देखिए समबडी के लिए पूर्ण वर्ब भी पुलर आ जाएगा, हैवेंट, हैवेंट दे, हैवेंट दे, ना कि हैज होगा, हैज होगा, नन कैन डिफीट यू, तो कैन दे, समबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ऑल पीपुल, तो उसका क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। जैसे देखिए नन है के लिए लाया दे, और जब समबडी रहे, नन रहे, तो क्वेश्चन टैग में भी जब हियर दियर रहेगा तो क्वेश्चन टैग में भी हियर और देयर ही रहेगा। देयर वाज ए किंग, अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, वाजेंट देयर, हियर इज ए गिफ्ट, हियर इज ए गिफ्ट, तो एजेंट हियर। अब यहां पर देखिए हियर दियर लाया इसमें, अब आ जाइए कुछ स्पेसिफिक रूल है, जब बेट रहे, आई एम श्योर रहे, आई होप रहे, यू से रहे, यू बिलीव रहे,
तो लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। आई बेट यू विल पास, तो ये इसके इसी का क्वेश्चन टैग होगा, यू का होगा। ऑन्ट यू, ऑन्ट यू होगा। आई एम श्योर, आई एम श्योर रवि विल कम, तो रवि है तो ओंट ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट क्वेश्चन टैग इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो पहला मेरा वीडियो देख लें, क्योंकि सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कल मैंने पढ़ाया और दोनों को देखिए तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप बहुत आसानी से एग्जामिनेशन में हल कर दे देंगे।